Hi, I'm Chetan Shashital. And welcome to Joinfilms. Keep watching, keep liking. Joinfilms में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे. भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com. मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर. हर कलाकार की, हर फनकार की एक ही बात होती है कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है. लेकिन एक शख्सियत ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारी मतलब एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों आवाज़ें उनकी पहचान है और उनको वॉइस एक्टिंग में सबसे बड़ा माना जाता है, गॉड माना जाता है. मेरे साथ हैं चेतन शशितल. वेलकम टू जॉइनफिल्म्स सर. बहुत अच्छा लगा सर, थोड़ा सा आपने समय निकाला इस इंटरव्यू के लिए, इस वीडियो के लिए. थैंक यू वेरी मच. जब हम सोचते हैं मीडिया इंडस्ट्री में आने के लिए चेतन जी, तो सोचते हैं एक्टर बनेंगे, राइटर बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे. ये वॉइस एक्टर बनने की आपने कैसे सोच लिया? ये ऐसा था कि जब मैं छोटा था और जब घर में नया नया टेलीविज़न आया था या जब हम लोग फिल्में देखने जाते थे, तो पहले थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले एड कमर्शियल चलते थे, राइट, एड जाते थे. तो मैं उसमें सोचता था कि ये आवाज़ किसने की है, ये आवाज़ किसने की है, ये आवाज़ इसको सूट नहीं होती है, बराबर नहीं है, ऐसा माइंड में चलता था, चलता रहता था. और बचपन से ही एक शौक था मेरा, कि एक हॉबी थी कि मैं अलग अलग कोई भी और आवाज़ अगर मेरे को सुनाई दे तो इमीडिएटली मैं उसको पकड़ लेता था. ओके. अभी ये क्या है कि हमारे आवर इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉल्स. हम देखते हैं कि हमारे रास्ते सब जगह कोई ना कोई चीज़ बेचते रहता है. अगर आप रेलवे से ट्रैवल करो तो रेलवे में भी वो पेपर बेचते हैं, हाँ बेटे बोला मिडे 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 मिडे, तो ये कॉल होता है. ओके. आले पाक, आले पाक, ये सब चीज़ें कॉल्स आपको सुनाई देते हैं. अगर आप फिश मार्केट में जाओ, ए दादा दे 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 चूल्हा का देऊ का, ये देऊ का, ते देऊ का, वो सब पूछते रहते हैं. ये एक अलग अलग कॉल्स होते हैं जो हमेशा रजिस्टर होते थे माइंड में. तो मैं सोचता कि यार क्या पावर है कि एक एक भाई ऐसा चिल्लाती है तो उसके पास चार लोग जाते हैं. क्यों जाते हैं? ओके. तो ये ऑब्जर्वेशन वहाँ से. हाँ, तो वजह ये है कि उसकी आवाज़ में कुछ है. हालांकि मेरा जो ये टैलेंट है वो तो बचपन से मैंने कौए, चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली सब वहाँ से शुरू किया था. मतलब अपनी आवाज़ के अलावा जितनी भी आवाज़ दिखी सब बनाने की कोशिश की. हाँ, जो भी सुनी. ओके. बिकॉज जब आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर तानसेन बनना है तो पहले कानसेन होना बहुत ज़रूरी है. ग्रेट. कानसेन, तानसेन बनना है तो कानसेन होना बहुत ज़रूरी है. और आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि जो बच्चे हैं उनको तो टाइम ही नहीं है बाजू का सुनने वाला, कोई कुछ सुनने का ही नहीं है, हेडफोन हेडफोन लगा के घूमते रहते हैं. स्टाइल स्टेटमेंट, यू नो. तो ये छोड़ो, सुनो. अगर आपको वॉइस एक्टिंग में जाना है तो अगल बगल में जो चलता है उसको सुनते रहो, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ पे किसकी आवाज़ कैसे यूज़ करनी है. तो ये जो था इसको फिर मैंने, जैसे जैसे मैं स्कूल में वगैरह था तब टीचर्स की नकल करना, फेलो स्टूडेंट्स की नकल करना, कॉलेज में जाने के बाद प्रोफेसर्स की नकल करना, ऐसा ऐसा ऐसा. फिर इंटर कॉलेज इवेंट्स में जब पार्टिसिपेट करते थे हम लोग, तो हर इवेंट में जीत जाएंगे, तो फिर वो दो साल के बाद वही इवेंट वाले बोले कि सर अभी आप आते हैं तो फिर बाकी के सब रह जाता है. तो फिर एक काम करो, अभी आप जूरी करके आ जाओ. ओके. तो इंजीनियरिंग में था तभी आर्य पोद्दार कॉलेज में एक रुंगदा ट्रॉफी होती थी विच वॉज फॉर मिमिक्री एंड सिंगिंग. तो वो ट्रॉफी मैंने उठा लिया. ओ, मिमिक्री एंड सिंगिंग बोथ में, दोनों, क्योंकि गाना तो घर में हमेशा ही था. और क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड गाना उठा लेते हैं, लेकिन फिर जब आवाज़ घूमती नहीं है तो नहीं कर सकते ना, वो टच नहीं करते. हाँ, तो नहीं टच नहीं करते. तो उसमें क्या हो जाता है कि फिर जूरी भी बोलते, अरे यार उसको नहीं. तो मैंने तो बड़ा सिंपल सा गाना लिया था, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी, ऐसा लिया था गाना. और फिर
मिमिक्री में मैंने उस वक्त लोग बाकी एक्टर्स की आवाज़ निकल, मैंने क्या किया, मैंने ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स इसका एक ट्रेलर बना दिया, फुल ट्रेलर, हाँ ओके, वहाँ पे प्रेजेंट किया और मतलब उसमें ये सब थे ना, वो स्केलेटॉर था तो उसकी आवाज़ थी नॉट सो सून इवलिन, तो ये सब कुछ अलग ही था, स्टार वॉर्स यू नो डार्थ वेडर और रोबो वॉइस ये सब निकाले तो वो तो पागल हो गए, एकदम नया कुछ अलग ही था उनके लिए। तो जब उस इवेंट में एक ऐसा था पार्ट कि इन द एंड मतलब जो जूरी है जो कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट भी थे कुछ सिंगर भी थे वो खुद परफॉर्म करेंगे, तो जो ऑडियंस थी उन्हें बोला नहीं हमको उनको वी वांट वंस मोर, ओह ग्रेट, तो उसके बाद डिसाइड किया कि नहीं भाई इसमें कुछ बात है, इसको प्रोफेशन बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। फिर इंजीनियरिंग में चला गया, इंजीनियरिंग में जब मैं चला गया तो हमारे इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा एक माहौल था वहाँ पे कि कभी कभी क्लास में कभी फ्री टाइम रहता था उसे टाइम पास करते रहते कि नो एक्टर इस एक्टर की आवाज़ निकल, बस प्रिंसिपल को पता चला इंजीनियरिंग में ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एक होता है सेमिनार में उनको एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना होता है, हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि ये प्रोजेक्ट मेरी आवाज़ में प्रेजेंट करो, क्या बात है इतनी लिबर्टी दी आपको, हाँ ओके ग्रेट, बिकॉज हमारे टाइम पे आई वॉज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज उस वक्त पे और इंटर कॉलेज में जब इतने अवार्ड मिले तो ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इंजीनियरिंग में जब इंटर कॉलेज इवेंट्स होते हैं तब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होते हैं, ओके तो ऐसा नहीं होता है कि भाई चलो पूरा कॉलेज जा रहा है सपोर्ट करने लिए कुछ, हमारे मैं और मेरे दो चार दोस्त और हम चार पांच लोग ही जाते थे, हम लोग बहुत सारी जगह पे गए, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, सब अलग अलग जगह पे हम लोग जाके वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाता था, तो ये वहाँ से शुरू हो गया। और व्हेन आई वाज इन माय सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग उस वक्त ऐसा हुआ कि आई थिंक पिंचू कपूर ही पास्ड अवे एंड उसके यू नो आई थिंक दो चार दिन बाद आई मेट वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु सेड कि हिज वन फ्रेंड इज इन सम असिस्टेंट एडी इन सम फिल्म प्रोडक्शन एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर पिंचू कपूर्स वॉइस, ओके, और उनकी वॉइस बहुत अलग तरह की है, आप लोग को मालूम नहीं होगा शायद बहुत पुराने विलन है, खासतौर से नेगेटिव रोल करते थे और बड़ी अलग तरह की उनकी वॉइस और टेक्सचर था। शेर के मुंह में हाथ डालने से पहले उसके दांत गिन लेने चाहिए। उसने कहा कि आवर प्रोजेक्ट इज हैपनिंग, मैंने कहा सीरॉक होटल था उसमें नीचे स्विमिंग पूल के बगल में स्टूडियो प्रतिमा कर स्टूडियो था, तो मैंने बोला ठीक है यार, मेरा कॉलेज तो सीरॉक के सामने ही था, तो मैंने क्या किया आई बंक्ड आफ्टरनून के बाद एंड आई वेंट फॉर द ऑडिशन, ओके, और वहाँ पे जब मैं गया तो हमारे उस वक्त के इंडस्ट्री के बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट जो थे वो लोग लगे हुए थे कि ट्राइंग टू मैच द वॉइस ऑफ पिंचू कपूर, बट आई ऑलवेज फील दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट अ पर्टिकुलर वॉइस इज एंड हाउ द वॉइस कहाँ से आती है वो आवाज़, ओके, सो अनलेस एंड अंटिल यू डोंट नो what you are going to match because you first have to realize what your own voice is all about. So jab main wahan gaya I was hardly 18 or 19 that time, to wahan production wale jo the unhone kaha ki ha ji kya hai, main bola ki I have just come for that audition. English mein bolne se thoda sa khabra gaya, so I just come for the audition of Mr. Pinchu Kapoor. उसका नाम बताया मैंने कि ही कॉल्ड मी ही इज एन असिस्टेंट इन अ फिल्म एंड आई डोंट हैव टू मच टाइम इट्स बेटर दैट यू टेक माई ऑडिशन इमीडिएटली, तो उन्होंने लंच ब्रेक दे दिया सबको, ओके, तो जब मैं डायरेक्टर से मिला फिर डायरेक्टर साहब ने बोला कि यू आर गोइंग टू डू द वॉइस, क्योंकि उनकी एज, हाँ ही इज 69 How old are you? I said, I'm 18. Will you be able to do it? I said, try out. No. Anyway, you have so many people here waiting and trying. Give me a chance. I'll try. So, jab andar gaya, to
उनका एडी वहाँ पे बैठा हुआ था, उन्होंने बताया ये डायलॉग है ऐसा है, और जिंदगी में कभी डबिंग नहीं की थी मैंने, तो उन्होंने बताया अच्छा ठीक है। तो रिकॉर्ड उसको मैंने पूछा, सी दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एंटरिंग डबिंग स्टूडियो, डबिंग स्टूडियो, प्लीज एक्सप्लेन मी द प्रोसेस, बिकॉज दैट वॉज अ टाइम इट वॉज रॉक एंड रोल, वो एक सीन है वो बार बार वही वही सीन चलता रहता था लूप में, लूप में। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं बताओ कि मैं, वो उसने बोला कि आई विल प्ले यू दिस सीन टू और थ्री टाइम, गेट अकस्टम टू द मीटर ऑफ द डायलॉग एंड ऑल दैट, एंड देन वी विल रिकॉर्ड, आई विल नॉट प्ले यू द साउंड, साउंड विल गो इन टू योर हेडफोन्स, जो मास्टर साउंड है, हाँ, एंड देन यू हैव टू ट्राई टू लिप सिंक, राइट, ठीक है। अभी ये होता है कि अगर मैं 5 सेकंड के लिए भी आपकी आवाज़ सुनूं, आपका मीटर मैं पकड़ लेता हूँ, ओ ग्रेट, तो ये जो वो एक इनबिल्ट ये होता है ना, सी वॉइसिंग इज ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव, तो ये हमने देख लिया, सीन देख लिया, मतलब चलो सुना है उसने दो बार, फिर एक बार साइलेंट सुना है, तो मतलब मैं हेडफोन निकल के रखता हूँ, मैं सिर्फ लिपसिंग देख के मैं बात करूँगा, ओके, बट इज आई वॉन्ट टू हियर द टोन, ऐसे वो टोन बाजू में रखो, अब मेरे को करने दो एक बार, करके रिकॉर्ड करके फिर सुनते हैं, ओके। और हिज वॉइस वॉज अ हंग्री वॉइस, एंड में है ना वो वर्ड्स खा लेते थे, बड़ा टिपिकल स्टाइल, हाँ यार कहाँ जा रहे हो, तो ये कहाँ जा रहे हो, ऐसे नहीं बोले कहाँ जा रहे हो, तो ये उनका उस हाँ ये करने के बाद तो वो सब सिंक हो गया, तो अच्छा हो गया, वो बाहर आके बोले कि सर वॉइस मिल गया, ओके। उसने बाकी डायरेक्टर को बोला, तो जो डायरेक्टर उसने जाके सुन लिया पूरा सीन, वो सुन लिया, तो बोले उसने पूछा किसने किया है, तो अभी वो लड़का जो आया था उसने किया है, बाहर को बाहर आके बोला सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप लोग आप ऐसा कर सकते हैं। सो ये जो है टू अंडरस्टैंड योर ओन वॉइस हाउ यू कैन प्ले इट, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अभी आपके साथ वॉइस चेंज करके भी बात करता रहूँ तो मैं 2 घंटे आपके साथ ऐसे ही बात कर सकता हूँ, लगेगा विदाउट, हाँ विदाउट एनी प्रॉब्लम आई कैन टॉक, ग्रेट। तो ये पहली बार आपको समझ में आया कि कमर्शियली आप डबिंग भी कर सकते हैं, और वहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब आते हैं उस टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जो आज के टाइम पे हैं, तो आपको लगा था ये करियर ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, या आप एंजॉय कर रहे थे? नहीं नहीं, उस वक्त मतलब आफ्टर पिंजू जी पास्ट अवे आई कंप्लीट ऑलमोस्ट 9 फिल्म्स ऑफ हिज व्हिच वर ओके रेडी एंड, लेकिन स्टिल देन आई हैड टू कंप्लीट माय इंजीनियरिंग। अच्छा, वो भी चल रहा था? हाँ, बिकॉज व्हाट आई शुड डू, आई हैड टू गो टू कॉलेज इन द मॉर्निंग, और रात में मैं डब करता था, ओके, सो फ्रॉम 12:30-1 बजे से लेकर सवेरे 5:30 तक, सो वहाँ से फिर वापस घर पे जाके सो के 2 घंटा नींद लेके देन कम आउट एंड गो बैक टू कॉलेज, देन डिपेंडिंग ऑन व्हाट फिल्म इज देयर नेक्स्ट डे, कभी तब उस वक्त में घर में भी टेलीफोन नहीं था, तो नेबर के घर पे फोन आता था कि भैया ऐसा ऐसा है, नहीं वो तो स्ट्रगलिंग डेज थे, लेकिन एक चीज़ है कि इंडस्ट्री में ये जो उस सी आफ्टर पिंच कपूर देन सनी देओल हैपन, सनी देओल फेल फ्रॉम द हॉर्स, उसकी 4-5 पिक्चरें की ये तो, बट ये था कि दिस इज माय ड्रीम स्टिल वाज टू बिकम अ वॉइस इन द कमर्शियल्स। अच्छा, फिल्मों के अलावा कमर्शियल्स में, एड कमर्शियल्स में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज फिल्म में तो आप कभी जाकर थिएटर में देखेंगे, तभी तो टीवी पे नहीं आते थे ना, राइट, और इसमें रिपीट वैल्यू है, बार-बार दिखेगा, कमर्शियल तो रेगुलरली आते हैं, हाँ, तो इसीलिए तो इसके ऊपर मेरा रिसर्च चलता रहा, मतलब सो आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, देन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उस वक्त मैं एकदम फोकस्ड में था, आई पूरा रिसर्च किया मार्केट का कि एडवर्टाइजिंग में क्या वॉइसेस चल रहे हैं, ओके, एंड हाउ एज अ पर्सन हु कैन गिव डिफरेंट कैरेक्टर वॉइसेस इन दिस इंडस्ट्री
अ वॉइस टू द मॉडल इन द कमर्शियल. ओके, जो मॉडल दिख रहा है, मॉडल दिख रहा है उसकी वॉइस, उसकी वॉइस अगर मैं दे सकूं तो इनका तो इंडस्ट्री सेट है. ये लोग आके बोलते हैं ना रेमंड्स द कंप्लीट मैन, यू नो वो, लेकिन वो जो मॉडल है उसकी आवाज अगर मैं उसकी उसको एक पहचान दूं, देन द प्रोडक्ट विल मूव वन मोर स्टेप फर्दर टू द कंज्यूमर. ग्रेट, वो मैंने कर दिया. वेरी गुड चेतन जी. पिंचू कपूर जी की तो आवाज़ ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा लोगों में रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन जैसे सनी देओल की करना, धर्मेंद्र की करना, आपने बहुत सारे स्टार्स की वॉइस की है तो बहुत रजिस्टर्ड वॉइस होती हैं. ये दुनिया बहुत बड़ी है, अपना शिकार खुद मारना सीखो. घबरा मत बेटे, तेरा पापा तुझे जरूर साथ लेकर जाएगा, बस कुछ घंटों की तो बात है. मैं देख रहा हूँ कि आपको ज्यादा ही तमीजदार हो गई है, और ऐसे तमीजदार घर में सांस लेना भी मेरे इज्जत के खिलाफ है. मैंने तुझसे कहा था ना पाठारे, मुझे जिंदा मत छोड़ना. और वो उस टाइम अवेलेबल भी है, कंटिन्यू उनकी इनिंग चल भी रही है, ऐसे टाइम वो चैलेंज कैसे आपने पूरा किया? नहीं, व्हेन आई वाज आस्क्ड टू फॉर सनी देओल, इट वाज बिकॉज इट वाज अ रियल कंडीशन वेयर ही हैड फॉलन फ्रॉम अ हॉर्स एंड ही वाज नॉट एबल टू डब. उस वक्त उसकी आवाज स्टडी करने, व्हाट आर द सी, आई ऑलवेज टेल पीपल फर्स्ट फाइंड आउट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर वॉइस. ओके, तो उस पिक्चर में आई थिंक दैट वाज दैट आई फर्स्ट आई डिड इट फॉर विष्णु देवा, विच वॉज बाय शकील नूरानी, दैट वॉज अ फिल्म. एंड उसमें फिर उन्होंने दो तीन डायलॉग सुनाया, फिर आई सेड ओके लेट मी वर्क ऑन इट, हाउ आई कैन डू इट, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफरेंट. अभी कैसा है, एज एज प्रोग्रेसेस वॉइस चेंजेस, राइट, दैट वॉट दैट टाइम ही वॉज क्वाइट यंग. So there was a dialogue there in that film. और उस दिन से मुझे एक चौथे आदमी की तलाश है, जब तक उसे मौत की नींद नहीं सुला देता मैं चैन से नहीं सोऊंगा माँ. That was his dialogue. जिस दिन मेरी तलाश खत्म हो जाएगी, जिस दिन वो चेहरा मेरी आंखों के सामने आएगा, तब तक उसको करके फिर I understood what the texture was. और वो हो गया. धर्म जी का कैसा, क्योंकि धर्म जी was anyway धर्म जी, वॉइस मां कसम कुत्ते यही था, बट आई डब्ड हिम फॉर जुल्म की हुकूमत, विच वॉज डायरेक्टेड बाय भरत रंगाचारी. एंड देर इट वॉज नॉट लाइक मां कसम कुत्ते, ही वॉज लाइक अ डॉन. ओके, तो बहुत सटल, सटल. नटवर सुरमा, ये इल्जाम है कि तुमने लोगों को खून रेजी के लिए भड़काया, उसकी सजा. अभी एडवांटेज ये था कि उस वक्त धर्म जी वॉज ऑल्सो यू नो एडवर्टाइजिंग बैक पेपर विस्की. कभी कभी लगता है कि आप मुझे जानते भी हैं और नहीं भी. अगर जानना चाहें तो आपके लिए जगह खाली है, लेकिन एक शर्त पर, अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह बैक पेपर विस्की हो तो. तो ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं इसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, अनलेस एंड अंटिल यू रियलाइज हाउ टू यूज योर वॉइस. सो ये किया, एंड देन व्हेन दैट गॉट अप्रूव्ड, व्हेन आई डिड फॉर बैक पेपर, देन आई हैड टू डू बैक पेपर इन ऑल लैंग्वेज, मतलब आसामीज में भी किया मैंने. धर्म जी को केटिया पल्ला के अपने मुख जाने और ना जाने हो, जाने वो खोज लेते अपना बाबे जगह खाली ऐसे. तो वो एडवांटेज भी मिल गया मेकर्स को. हाँ, तो सो एक करते तो व्हेन दे वर ब्रांड एंडोर्सिंग तो सब लैंग्वेज. जॉइंट फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है.